युगो युगो से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 11 अप्रैल 2020 दिन शनिवार, बैसाख मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज चतुर्थी तिथि शाम 7:01 तक रहेगी और उसके पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है वो दोपहर 11:57 से लेकर 12:48 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहुकाल सुबह 9:11 से लेकर 10:47 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आज आप नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अपने पिताजी या दादाजी के नाम पर व्यापार खोलने से निश्चित तौर पर आपको अपने व्यापार में सफलता मिलेगी और आपका व्यापार जल्द ही लोगों के बीच पॉपुलर हो जाएगा। आज आपके मामा जी के घर से आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, परंतु छात्रों को आज अपनी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में न आ पाने के कारण आज वो इरिटेट हो सकते हैं। समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। जरूरत से ज्यादा समय लगाने के बाद भी आज वो अपने टारगेट से पीछे रह जाएंगे जिससे वे विचलित हो सकते हैं। यदि आपके पास आज कोई पेमेंट आने वाली थी तो आज किसी न किसी कारणवश ये अटक सकती है। आपके कर्जे पर चढ़ती हुई ब्याज भी आज आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा सकती है। आज आपको पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। आज मुर्गी को दाना डालना भी आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपनी कार खरीदने का सपना जल्द से जल्द साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि कोई भी व्यक्ति आपसे उधार लेकर गया है पर लौटाने में आनाकानी कर रहा है तो वह स्वयं आकर आपको आपका धन लौटा देगा। आज आप एक देसी घी का दीपक लगाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे आप उस व्यक्ति का
मन में ध्यान करें जो आपका उधार लेकर गया हुआ है, और फिर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्रधारी रूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम ह्रीम कार्त वीर अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण ऋतम नष्टम च लभ्यते। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम ह्रीम कार्त वीर अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण ऋतम नष्टम च लभ्यते। यदि आज आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। मतलब जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना। अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने। मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारी भीतु पुराण धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।